तीसरे T20 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों का आया तूफान। तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने रचा इतिहास। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। तो वहीं अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। जैसा कि पहला T20 का मुकाबला भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से जीता, लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन तीसरा T20 का मुकाबला भारतीय टीम को हर हाल में जीतना था सीरीज जीतने के लिए, तो भाई बांग्लादेश की टीम भी तीसरा T20 का मुकाबला जीतने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही थी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने तीसरे T20 मुकाबले में कहर बरसा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के शेरों ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरा T20 मुकाबला काफी खतरनाक विस्फोटक मुकाबला खेला गया, जहां पर रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के बल्ले ने मैदान पर तबाही मचा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यानी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब दोस्तों तीसरे T20 मुकाबले का टॉस उछाला गया, तो टॉस की बाजी यहां पर बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जी हां, टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज्यादा खुश हुए। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए हैं तो इस मुकाबले को भी बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे और भारतीय टीम को पहले T20 का मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था और दूसरे T20 मुकाबले की तरह 100-150 रनों के भीतर पूरी की पूरी टीम को समेट लेंगे। लेकिन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सबसे पहले ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। जी हां दोस्तों, पहले ही ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिए और शुरुआत काफी खतरनाक और विस्फोटक तरीके से की। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान समझ गए थे कि भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर आज कुछ तो ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले हैं। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम को यहां पर काफी बड़ा झटका तीसरे ओवर की 4th बॉल पर लग गया, जब शुभमन गिल महज 28 रन ठोक करके आउट हुए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल जैसे ही आउट हुए, यहां पर दोस्तों 4th ओवर की 5वीं बॉल पर यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए। दोस्तों, दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर जब आउट हुए तो अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ का तूफान देखने को मिला। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहरा मचा दिया। अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए, तो वहीं 6ठे ओवर की 2 बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 11 रन ठोक करके आउट हुए। यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, ऋषभ पंत ने यहां पर 6ठे ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 3 गगनचुंबी चौके ठोक दिए ऋतुराज गायकवाड़। और यहां पर जब आउट हुए तो विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। तो वही 7वें ओवर की 2 बॉल पर अभिषेक शर्मा 47 रन ठोक करके आउट हो गए। अभिषेक शर्मा जैसे ही आउट हुए, मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए। हार्दिक पांड्या वो तूफानी, वो खतरनाक विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज है जिसने मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। 7वें ओवर की 3 बची बॉलों पर लगातार 3 छक्के हार्दिक पांड्या ने ठोक दिए, तो वहीं 8वें ओवर की 2 बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। जी हां दोस्तों, 8वें ओवर की 2 बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 48 यानी कि 48 रन ठोक करके आउट हुए। ऋषभ पंत ने 48 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अब 48 रन ठोक करके जब 8वें ओवर की 2 बॉल पर विकेट कीपर बल्लेबाज आउट हुए, तो हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए
मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जो महेंद्र सिंह धोनी, सूर्य कुमार यादव जो घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। जी आप सभी को बता दें, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के भगवान, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह के भी पसीने छूट गए जब सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर उतरते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी से सामने वाली टीम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए नवे ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के हार्दिक पांड्या ने ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्य कुमार यादव ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को हलाना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। सूर्य कुमार यादव का बल्ला आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था, तो वहीं 11वें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब 52 रन यानी कि अर्धशतक ठोकर के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आउट हुए। दोस्तों हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की साझेदारी काफी दर्द तक रही, लेकिन जब हार्दिक पांड्या आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया क्योंकि भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। अब टीम इंडिया की सारी जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ गई और हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज है। रिंकू सिंह की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहरा मचा दिया। जी हां गुरु, आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही 12वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिंकू सिंह की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहरा मचा दिया। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। रिंकू सिंह काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, यहां पर 13वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिर सूर्य कुमार यादव ने छक्का ठोक दिया। 13वें ओवर की तीसरी दौड़कर सूर्य कुमार यादव ने 2 रन ले लिए और यहाँ पर स्ट्राइक अपने पास रखे और सूर्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 13वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो वहीं भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रिंकू सिंह भी कहाँ किसी से पीछे जाने वाले थे। रिंकू सिंह ने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके फिर ठोक दिए। घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज थे जो दौड़कर रिंकू सिंह और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। भारतीय टीम के दोनों दिग्गजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके फिर सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए और 20वें ओवर की 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के सूर्य कुमार यादव ने फिर ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने 20वें ओवर तक जाते बांग्लादेश की टीम के सामने काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। जब बांग्लादेश की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आई तो जसप्रीत बुमराह ने पहले एक ओवर में दूसरी बॉल पर एक विकेट चटका दिया, सिर्फ 4 रन दिए। मोहम्मद सिराज ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर एक विकेट चटका दिया, सिर्फ 3 रन दिए, जहां पर रवि बिश्नोई ने 4थे ओवर की 6ठी बॉल पर एक विकेट चटका दिया और 16 रन दिए। कुलदीप यादव ने 8वें ओवर की 6ठी बॉल पर जाते जाते 2 विकेट चटका दिए और 26 रन दे दिए, लेकिन यहां पर कुलदीप यादव ने 2 विकेट गिरा दिए। अब भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाज काफी ज्यादा हैरान परेशान थे क्योंकि उनके हाथ से तीसरा T20 का मुकाबला निकलता हुआ जा रहा था। भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाजों से पंगा लेना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। भारतीय जो टीम है वो काफी ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक टीम है। उस टीम से आगे कोई टीम ना अभी हुई है ना आगे लाइफ में कभी होगी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तीसरा T20 का मुकाबला बेहतरीन तरीके से जीत लिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिलहाल एक वार्म अप मुकाबला था, रियल मुकाबला आगे चलकर के होगा। ईश्वर से दुआ कामनाएं बना रही कि हमारी भारतीय टीम जीते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।